अपने घर पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान पहली बार किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में दिखाई दिए हैं। जी हाँ, जिनसे सलमान खान के झगड़े की कई खबरें वायरल होती थीं, आज उन्हीं की फिल्म की स्क्रीनिंग में सलमान खान पहुंचे और पूरे स्वैग के साथ वो दिखाई दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म हीरा मंडी की। हीरा मंडी के प्रीमियर पर कई सितारों ने शिरकत की थी, लेकिन सलमान खान की एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि एक वक्त पर सलमान और भंसाली के बीच झगड़े की खबरें खूब वायरल हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान ऐसे तो कभी भी सुर्खियों से नहीं उतरते हैं, लेकिन बीती शाम सलमान खान की हीरा मंडी के प्रीमियर पर अपीयरेंस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का प्रीमियर बीती शाम रखा गया था, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने स्टाइलिश अवतार में एंट्री ली थी। लेकिन जैसे ही प्रीमियर पर सलमान खान अपने सिक्योरिटी वाले काफिले के साथ पहुंचे, हर किसी के मन में एक ही ख्याल आया, क्या सलमान खान और संजय लीला भंसाली का पैचअप हो गया है। सलमान खान और संजय लीला भंसाली ने साल 1996 में खामोशी और फिर 1999 में हम दिल दे चुके सनम से धमाल मचाया था। फिर सलमान और भंसाली की जोड़ी इंशाअल्लाह के लिए साथ आई, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म फ्लोर पर नहीं आ सकी। एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स की माने तो सलमान और भंसाली के बीच इंशाअल्लाह के सेट पर बहसबाजी हो गई थी, जिसकी वजह से एक्टर गुस्से में सेट से चले गए थे और फिर ठंडे बस्ते में खिसक गई थी फिल्म। कहा जा रहा था कि अनबन की वजह से सलमान खान और भंसाली दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। फायरिंग इंसिडेंट के बाद सलमान खान भारी सिक्योरिटी के साथ हीरा मंडी के प्रीमियर पर पहुंचे थे। सलमान खान की स्वैग वाली एंट्री देख फैंस ऐसे कयास लगा रहे हैं कि उनका भंसाली के साथ पैचअप हो गया। सलमान खान को देखकर एक यूजर ने लिखा, भाई के सामने किसी की नहीं चलती। एक और यूजर ने लिखा, भाई का स्वैग ही डिफरेंट है। एक और यूजर ने लिखा, माशाल्लाह नजर और दुश्मनों से बचाए भाई को। एक और यूजर ने लिखा, विश टू सी देम, यानी भंसाली और सलमान खान वर्किंग टुगेदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।